सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऐसा ग्लोब प्रिंट कर सकते हैं अपने 3D प्रिंटर की मदद से, वो भी अपनी फोटो लगाकर। जी हाँ गाइस, तो ये ग्लोब हमने अपनी फोटो लगाकर प्रिंट कराया, तो इसको मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस पे हमने एक फोटो प्रिंट करी है। इसी तरीके से आप लोग भी अपना एक ग्लोब बना सकते हैं अपनी फोटो प्रिंट कर, वो भी 3D प्रिंटर की मदद से, वो भी बहुत ही इजीली। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस तरीके का ग्लोब बनाने के लिए आप लोगों को चले जाना है lithopenmaker.com पर। तो गाइस, इस साइट के अंदर जाने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको वहां पर एक मून दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उस मून लैंप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसकी फोटो पर क्लिक कर देना है। तो जब आप उसकी फोटो पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उस पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पर आपको एक फोटो लगाने का ऑप्शन दिख रहा होगा और काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को एक चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर आपको चले जाना है। फिर आप लोगों को अपने जो फोटो है या फिर जो भी चीज है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हम, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी आपके मून के सामने लगने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी। जैसे कि जब आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सिलेंडर आउटर डायमीटर, तो इसमें ऑलरेडी 70 सेट होगा, तो इसको आपको चेंज करके 50 कर देना है। और उसके नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक सिलेंडर हाइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उसको आपको 25 से चेंज कर 15 कर देना है। और गाइस, और नीचे आने के बाद आपको एक सिलेंडर लेज आउटर डायमीटर दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको 75 से चेंज कर 55 कर देना है। और गाइस, ये सब करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, और नीचे आप लोगों को एक क्रिएट एचटीएल फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों की एचटीएल फाइल आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इसे अपने किसी भी स्लाइसर वगैरह में ओपन कर लेना है। जैसे कि हमारे में क्लियरिटी स्लाइसर है, तो हम इसे क्लियरिटी स्लाइसर में ओपन कर लेंगे। और क्लियरिटी स्लाइसर में इसे ओपन करने के बाद आप लोगों को इसे अब इसकी फाइल अपने क्लियरिटी स्लाइसर में ओपन कर लेनी है। और क्लियरिटी स्लाइसर में इसकी फाइल ओपन करेंगे, आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं। वो सब देखने के बाद आप लोग इसको स्लाइस करके अपने एक मेमोरी कार्ड में स्लाइस कर लें, उसके बाद आप लोग इसको अपने प्रिंटर में लगा दें, और उसके बाद आप लोग अपनी प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो हो गया हमारे मून का ऊपर का एरिया बनाने के लिए। लेकिन इसका बेस बनाने के लिए आपको एक अलग सी फाइल चाहिए होगी, जो कि एचटीएल फाइल मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ये वाली फाइल आप लोगों को लिथोपेन मेकर में नहीं मिलेगी। तो ये फाइल मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और वही सेम प्रोसेस आप लोग यूज करके इसको स्लाइस कर अपने प्रिंटर में लगा सकते हैं। और गाइस, ये सब करने के बाद फिर आपको बस अपनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं अपने मून की प्रिंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने मून वाली फाइल सिलेक्ट कर ली है, और यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं काफी स्पीड से हमारा प्रिंट हो रहा है कंप्लीट। तो गाइस, तो अब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आप लोग इसे आराम से देख पाएंगे। तो गाइस, तो अब हमारा प्रिंट खत्म हो चुका है, तो अब हम इसे छुड़ा लेते हैं। अब हम इसका बेस भी हटा देते हैं, और ये सब हटाने के बाद आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना क्लियर निकल कर आया है, और काफी अच्छी क्वालिटी में आया है। ये कोई नहीं बता सकता, इसके ऊपर कोई फोटो भी लगी होगी। और गाइस, ये करने के बाद अब हम लोग इसका बेस का प्रिंट निकाल लेते हैं। तो गाइस, अब हमने अपने बेस की एचटीएल फाइल सिलेक्ट कर ली है, और अब हमने इसको प्रिंट पर लगा दिया है। तो गाइस, इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारा प्रिंट कंप्लीट हो चुका है। तो इसको भी हम लोग छुटा लेते हैं, और अब इन सबके हम बेस रिमूव कर देते हैं। तो गाइस, इन सबके बेस रिमूव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रिंट निकल कर आए हैं। तो अब हम जाते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, तो अब हम लोग करेंगे इन सब चीजों को असेंबल। तो गाइस, इसके लिए थोड़ी सी और चीजें भी चाहिए होंगी, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं वो इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो गाइस, तो फिर अब हमारे ग्लोब के सारे पार्ट्स हो चुके हैं रेडी। ये रहा हमारा मून, ये रहा हमारा इसका कैबिनेट, ये दो हमारे इसके कैबिनेट है, ये इसके ऊपर इस तरीके से कुछ फिट हो जाएगा। और गाइस, ये रहा हमारा इसका स्विच। और गाइस, इसके अंदर आपको लगाने के लिए और जो चीजें चाहिए वो है, आपको ये एक पुश बटन चाहिए होगा इस टाइप का, देख सकते हैं आप लोग, आपको इस तरीके का एक पुश बटन चाहिए होगा, वो यहाँ पर आपके कैबिनेट के अंदर यहाँ पर जो एरिया बना हुआ है इसमें ये स्विच कुछ इस तरीके से चला जाएगा, यहाँ पर ये स्विच इस तरीके से फिट हो जाएगा आपका। और गाइस, फिर आपको चाहिए होगा एक लाइट, ये हमने एक लाइट ली है। तो गाइस, हमने रिमोट वाली लाइट ली है, आप लोग चाहे तो सादी लाइट भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाली लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कलरफुल वाली ली है, तो इसका ये हमें अलग से इसमें फिट करना पड़ेगा। हमने कलरफुल वाली लाइट ली है, तो आपको इसको लगाना किस तरीके से है, तो आपको सिंपली बस इसके ऊपर इस लाइट को कुछ इस तरीके से लपेट लेना है बढ़िया करके। और गाइस, यहाँ पर हमने इसके स्विच को सब कुछ लगाकर अच्छे से कर देंगे वो हम बंद।
तो गाइस यहाँ पर ये हमारा बंद होकर हो चुका है पूरी तरह से रेडी, और स्विच आप देख सकते हैं आराम से चल रहा है। सो गाइस तो फिर हमने इसके सारे पार्ट्स को अब असेंबल कर लिया है, तो आप देख सकते हैं सब कुछ कितने फिनिशिंग के साथ असेंबल हो चुका है इस पे, और ये लाइट भी हमने इस पे अच्छे से लपेट दिए, तो अच्छे से सब कुछ हमने असेंबल कर दिया है। और ये हमने एक अलग से होल करना पड़ गया क्योंकि हमने इसमें जो रिमोट वाली लाइट लगाई थी रिमोट से कलर चेंज करने के लिए, तो उसके चक्कर में हमें करना पड़ेगा। अगर आप सादी लाइट लगाएंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यही सब लगाना पड़ेगा। चलिए अब अपनी फाइनल चीज इसके ऊपर लगा देते हैं अपना मून, तो इसके ऊपर ही हम लोग फिट कर देते हैं। तो गाइस ये हमारा मून इस पे फिट हो चुका है, तो चलिए अब इस पे अपना एडाप्टर लगाते हैं और आपको इसे जलाकर दिखाते हैं। सो गाइस तो ये रहा हमारा एडाप्टर, तो हम इसे कर देते हैं इसके पीछे कनेक्ट। तो ये हमने इस पे लगा दिया है, तो इस स्विच को हम यूज करके दिखाते हैं पहले आपको। इससे हमने इसे ऑफ कर दिया और फिर दबाया ये ऑन हो गया, फिर इस दबाया ऑफ हो गया, और अब हम इसका कलर करते हैं व्हाइट। फिर आप लोग देख सकते हैं इस पे फोटो को, तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना क्लियर प्रिंट निकल गया है। जैसी फोटो हमने डाली थी बिल्कुल वैसी ही प्रिंट होकर आई है, देख सकते हैं आप लोग क्या क्वालिटी आई है, कितनी बढ़िया। और थोड़ी सी लाइट इसमें ऐसे हमने। सो गाइस तो फिर अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।